नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर पूर्णिमा नागचरण, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के ऑनर भी है और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एंड निवारण के विषय पे हम आज बात करेंगे उनसे। पहले तो पूर्णिमा जी, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। वैसे तो बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं दर्शक अभी हमारे साथ शायद नए दर्शक जुड़े हैं, तो बिल्कुल आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो प्लीज आप बताइए आपके बारे में थोड़ा सा। मैं हूँ पूर्णिमा नागचरण, गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ 6 हॉस्पिटल है मेरे। वन इज किलापाड़ी में नागचरण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, 35 ईयर्स वो हमें शुरू किया था। उसके बाद में वो 250-bedded हॉस्पिटल है और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। उसके बाद में हमने वापी में शुरू कर दिया 20 ईयर्स वो, दैट वॉज वापी का 21st सेंचुरी हॉस्पिटल। उसके बाद में हमने सूरत में 12 ईयर्स वो शुरू किया, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल सूरत जी। उसके साथ साथ हमारे 3 और हॉस्पिटल ऐड हो गए, वापी में इवा केयर और इक्लास फर्टिलिटी सेंटर, दैट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड लैप्रोस्कोपी सेंटर है। वलसाड में 21st सेंचुरी हॉस्पिटल की ब्रांच है जी। और फिर सूरत में एकदम 7-star हॉस्पिटल है, नीमया वुमेन्स हॉस्पिटल। ऐसे 6 हमारे हॉस्पिटल से, 4 टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। दिस इज मेरी मतलब प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है अब तक जी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर किशोर नागचरण एंड्रोलॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजी एंड सेक्सोलॉजी, मतलब जिसको मेल्स को स्पर्म्स की तकलीफ होती है उनका स्पर्म्स वो बढ़ाते हैं, और जिसको सेक्स की तकलीफ होती है उनको सेक्स करने सिखाते हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर कराते हैं जी। वो मेरे हस्बैंड है, सर्जन भी है जी। फिर मेरे 3 बच्चे हैं, डॉक्टर पूजा नागचरण IVF स्पेशलिस्ट है जो सूरत के दोनों हॉस्पिटल चलाती है, और पूजा और उसके हस्बैंड प्रभाकर हमारा चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। सो प्रभाकर और पूजा मिलकर सूरत चलाती है। मेरा दूसरा बच्चा है अक्षय नागचरण, वो इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट है और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, और वो भी हमारे साथ गए, 7 ईयर्स से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसकी वाइफ अदिति नागचरण गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ये दोनों हमारे वो वहाँ के 4 हॉस्पिटल चलाते हैं, उसके प्लस अक्षय इवन सूरत में एंडोस्कोपिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी करने को आ जाता है। ये मेरा तीसरा, मेरा सबसे छोटा बच्चा डॉक्टर वैभव नागचरण है, जो अभी गीतांजलि हॉस्पिटल से MS गोल्ड मेडलिस्ट होके पास हुआ है, और अभी हमारे इवन फेलोशिप जो होती है ICU उसमें भी फर्स्ट आया है और गोल्ड मेडलिस्ट है। सो ऐसा मेरा पूरा परिवार डॉक्टर का है, हर एक जन स्पर्म और अंडे के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब पूरा परिवार जब साथ होता है तभी अच्छी अचीवमेंट भी मिलती है, और बहुत सारा जैसे कहते हैं कि परिवार साथ हो तो सब कुछ मिल जाता है, वैसे ही बंद मुट्ठी सवाल आते जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि आप कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रही हो, और कितने मतलब लोगों को आपने अच्छे अच्छे मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी अभी तक कितने हुए किए हैं आपने? देखो मैं कोंकणी हूँ, वैसे कोंकणी स्पीकिंग हूँ, गोवा की हूँ जी। मेरा शिक्षण हो गया बॉम्बे में KM हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, बिकॉज मैं SSC में बॉम्बे फर्स्ट आई, तो KM हॉस्पिटल से मैं MS हो गई गायनेकोलॉजिस्ट। और फिर मेरे हस्बैंड ने जब शादी की तो मेरे हस्बैंड को छोटे से छोटे गांव में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट देनी थी, तो 35 ईयर्स अगो हमने किलापाड़ी में नागचरण हॉस्पिटल शुरू किया। उसके बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स हमने 1995 से शुरू किया, तो अभी तक मैंने 18,000 बच्चे दिए हैं, 18,000 टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से, उसमें से 8,000 तो सूरत से लिए, बाकी सब किलापाड़ी से हो रहे हैं। और हर महीने को हम 100 to 120, 130 केसेस करते हैं, उसमें से 60-70 प्रेगनेंट होते हैं, तो हर महीने नंबर बढ़ते जाता है जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये सब मैनेज कैसे कर लेती हैं, इतनी सारी हॉस्पिटल्स को मैनेज करना, सबको एंटरटेन करना, सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना, वो कैसे मैनेज करती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा यानी, मैं तो सब मैनेज करती हूँ मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर का काम जो होता है, डॉक्टर है, हाउसवाइफ भी है, साथ में बच्चे भी है, तो सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं? सबसे पहली बात है, मैं अपने आप को 100% वुमन बनाना चाहती हूँ। मैंने कभी कुछ पढ़ा था कि कुछ भी करो तो उसमें 100% करो जी। ये मैंने जब से पढ़ा, आई थिंक 10-15 साल पहले, तब से मैंने टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। और हर एक जो स्त्री होती है, ये बेटी होती है, माँ होती है,
है, सास होती है, आजी होती है और ये स्त्री प्रोफेशनल भी होती है। ये सब सही करना है तो सबसे पहले मेंटालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड बी स्ट्रांग वूमन। स्ट्रांग होती है तो वो उसको मालूम है कि मुझे ये सब करना है मतलब करना है जी, तो उसमें कुछ नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। सो मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकेंड फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बहुत फिटनेस फैनेटिक हूँ, मैं रनर हूँ, मैं मैराथन रन्स कर रही हूँ, स्विमर हूँ, अभी खेल महाकुंभ में 60+ में फर्स्ट आई। सो स्विमर करती हूँ, रन करती हूँ, जिम करती हूँ, सो उसके कारण मैं फिट रहती हूँ। फिर मुझे अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट आता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये काम मेरा मी टाइम है, ये टाइम मेरा हस्बैंड को देना है, इस इतना टाइम मुझे सास ससुर को देना है जी, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर पर उनको भी उतना टाइम देना है, इतना टाइम बच्चों को, इतना टाइम नातुओं को देना है, ये मेरा फिक्स होता है। फिर बाकी टाइम में मुझे प्रोफेशनल काम करना होता है। उसमें भी वंस आई गो टू द हॉस्पिटल, मैं कुछ माँ नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हॉस्पिटल में मैं बस पेशेंट और मैं पेशेंट की मैं जो भी हूँ कि मैं दीदी हूँ, उनके मैं डॉक्टर हूँ, उनकी मैं हीलर हूँ, आई टोटली ट्रांसफॉर्म इन दैट जॉब। सो व्हाट एवर जॉब आई डू आई विल कंप्लीटली इन्वॉल्व इन इट। जैसे कि मुझे स्विमिंग करना है ना, कुछ नहीं सोचती हूँ मैं स्विमिंग के 1 किलोमीटर मुझे 70 मिनट्स में करना है, इतने स्पीड से मैं करती हूँ एंड मुझे फिट रहना है, फिर स्विमिंग के बाद में मैं एक्सरसाइज करूँगी। सो दैट इज द टाइम फॉर मी टू बिकम फिट। फिर हस्बैंड के साथ फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते वक्त या डिनर करते वक्त हम साथ में दोनों खाना पका के साथ में हम लोग वी स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और फिर दैट इज माय हस्बैंड्स टाइम, कभी कोई बीच में नहीं, मैं और मेरा पति जी। सो इस तरह आई पुट एवरीथिंग इन दैट पार्ट, दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड दैट इज व्हाई आई डू एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट। एंड अनदर थिंग इज मैं गुस्सा नहीं होती। Yeah, ये सबसे बड़ी बात है। देखो इतना सब स्ट्रेस होता है ना तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सही बात है। थोड़े साल पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी का कुछ अटेंड किया था जी। वो शिवानी बीबी ने बोला था गुस्सा तुम्हारा पहला दुश्मन है। yes. उस दिन से मैंने सोचा मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगी। आई रियली प्रैक्टिस लगती है उसके लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट स्ट्रेस, कोई भी कैसे भी बिहेव करता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी गुस्सा आना साहजिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। आई ट्राई टू कंट्रोल दैट, शांति रखती हूँ, 2 ग्लास पानी पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, इट्स ओके, ठीक है, देखा जाएगा उसका क्या सॉल्यूशन है। इस तरह सोचने के कारण मुझे लगता है आई बिकम अ बेटर बॉस, आई बिकम अ बेटर बॉस बिकॉज़ आई स्टॉप गेटिंग एंग्री। यस यस। एंड अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज डू नॉट एक्सपेक्ट। यस। देखो हमारा दुख कहाँ से होता है? जब हम कुछ करते हैं वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हस्बैंड कि वो मुझे विश क्यों नहीं करता है, तो सुंदर दिखती क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं बताता है, या अपने बच्चे, मॉम तू कैसी हो, मॉम ने तुझे खाया कि नहीं, मॉम थैंक यू, वी एक्सपेक्ट इट। व्हेन वी एक्सपेक्ट इट अगर वो नहीं होता है तो हम थोड़े से हर्ट होते हैं। सही बात। एक्सपेक्ट ही मत करो, काम करो और गंगा में डालो। डू नॉट एक्सपेक्ट, डू योर जॉब, डू योर फुलेस्ट एंड जस्ट लीव इट। Yes. And be happy about it. Expect करोगे दुख होता है, expect ना करोगे काम करोगे perfectly काम करोगे you're happy. Yes. I think that's what is my funda. और इसीलिए मैं खुश रहती हूँ हमेशा। जी वो तो आप दिख ही रहा है आपकी फेस से, क्योंकि आप इतने खुश रहते हैं तभी आपके फेस पे इतना ग्लो भी है, क्योंकि आप खुश भी रहती है, गुस्सा नहीं करती है, डॉक्टर है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के हमारा जो सब्जेक्ट था उसी पे हम अभी चलेंगे, जो था व्यंध्यत्व निवारण। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये पुरुष में कैसे पता चलता है और स्त्री में कैसे पता चलता है? सबसे पहले पति और पत्नी, कभी भी लड़का लड़की शादी करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, 1 साल के अंदर कुछ भी प्रोटेक्शन ना करके, मतलब नो कंडोम, नो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कुछ ना करके रेगुलर अगर सेक्स करते हैं 2 या 3 दफे और फिर भी उनको बच्चा नहीं होता है, तभी उसको वंध्यत्व बोलते हैं जी। और अगर उनको बच्चा चाहिए और वो सब कोशिश कर रहे हैं नहीं होता है, तो उनको डॉक्टर को मिलना चाहिए। नंबर 1 जी। एक बार जब वो हमें मिलते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं, इन हिस्ट्री पूछते हैं कि सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, उनको कुछ पहले टीबी की बीमारी कुछ हुई थी, पेट का कुछ छोटा बड़ा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, ये सब पूछते हैं। पुरुषों को भी उनको कुछ आजकल उनको वाइसेस होते हैं, तंबाकू खाने की आदत, सिगरेट की आदत, अल्कोहल की आदत, दे आर वेरी बैड वाइसेस, ये
इन बैड वाइसेस के कारण उनके स्पर्म काउंट्स लो होते हैं. सो वी टू आस्क देम, पुरुषों के में हाइड्रोसिल है क्या, हर्निया है क्या, बचपन में कुछ टेस्टिस का कुछ ऑपरेशन हुआ था क्या, अनडिसेंडेड टेस्टिस है क्या, ये सब हम हिस्ट्री में पूछते हैं. उसके बाद हम स्त्री को एग्जामिनेशन करते हैं. जनरल एग्जामिनेशन के बाद में हाइट, वेट, उसका बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, ब्रेस्ट चेक करते हैं, उसमें से दूध वगैरह नहीं आता है, थायराइड ग्रंथि चेक करते हैं, पेट के ऊपर चेक करते हैं, अंदर योनि मार्ग में चेक करते हैं. योनि मार्ग में जब हम दो उंगली डाल के वजाइनली चेकिंग करते तो हमको समझते हैं यूट्रस कैसे है, उसमें कुछ गांठे गठाने तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स की गांठे होती है, कभी कभी भयंकर मेंसेस में दर्द होता है, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. तो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी नहीं है, कुछ ट्यूमर तो नहीं है, यूट्रस पूरा सूजा हुआ नहीं है, एडिनोमायोसिस नहीं है, ये सब हम एग्जामिनेशन करते हैं. और उसके बाद हमारा बेस्ट इज अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हमें यूट्रस के अंदर अगर पर्दा है तो समझना है, यूट्रस के अंदर कुछ गांठ फाइब्रॉइड की गांठ है, पॉलिप्स है तो दिखता है, यूट्रस डबल यूट्रस है तो दिखता है, फिर यूट्रस में एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं तो समझता है, बाजू में ओवरी का साइज कैसे है, कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, कभी उसमें डर्माइड ट्यूमर होता है, कभी उसमें एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये सब बीमारियां हमको अल्ट्रासाउंड बताता है, तो हमें औरत का सभी इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं. उसके बाद ऑफकोर्स ब्लड इन्वेस्टिगेशन जी. ब्लड इन्वेस्टिगेशन में रूटीन एग्जामिनेशन, ब्लड ग्रुप, वीडीआरएल, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये सब शुगर वगैरह चेक होने के बाद हम एक स्पेशल करके उसको AMH बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन. ये AMH करके जो टेस्ट है, AMH, इससे हमको समझता है कि उस औरत की अंडे देने की क्षमता कितनी है. मतलब हर एक स्त्री के दो यूट्रस होता है, ट्यूब्स होता है, दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसके नीचे दो अंडकोश होते हैं. इस अंडकोश में छोटे छोटे बीज होते हैं जो बड़ा होके फूटते हैं, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं. तो ओव्यूलेशन होने के लिए हर एक स्त्री को अपनी एग गिविंग कैपेसिटी होती है. सो AMH का टेस्ट हमको बताता है कि इस औरत को अंडे देने की क्षमता कितनी है. ये जब समझता है तो हमको औरत के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाते हैं. फिर हम आदमी को देखते हैं. आदमी को ऑफकोर्स हमारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड एंड्रोलॉजिस्ट है, इसलिए मुझे काफी फायदा है जी. हम पहले आदमी का सीमेन चेक करते हैं. आदमी को चेक करने के पहले, सीमेन मतलब क्या, पति पत्नी के समागम के बाद में जो फ्लूइड आता है उसको सीमेन बोलते हैं. ये सीमेन का एग्जामिनेशन यूजुअली 3 दिन के समागम के गैप के साथ में हम करते हैं. सीमेन एग्जामिनेशन में 3 चीजें मेन होती है. एक, व्हाट इज अ काउंट, काउंट कितना है स्पर्म का. नंबर टू, व्हाट इज अ मोटिलिटी, मतलब गतिशीलता कितनी है. नंबर थ्री, स्पर्म्स नॉर्मल है क्या अबनॉर्मल. 3 चीजें होती है, उसके साथ थोड़ा पस वगैरह में उतना चेक होता है. ये 3 चीजों में हमें समझना है कि ये आदमी उसके पत्नी के साथ समागम करने के बाद नेचुरली बच्चा दे सकता है कि नहीं जी. ये हमें तभी समझना. तो नॉर्मल सीमेन काउंट होगा तो हम आदमी को परेशान नहीं करते जी. लेकिन अगर सीमेन काउंट कम है, नॉर्मल सीमेन काउंट WHO के अनुसार, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेट पैटर्न किया है, लाखों पुरुषों के स्पर्म चेक करके उन्होंने पैटर्न किया है, इतना होना चाहिए, मिनिमम 15 मिलियन स्पर्म का होना चाहिए. उसके साथ गतिशीलता जो होती है अराउंड 30-32% होनी चाहिए. और मॉर्फोलॉजी अथवा नॉर्मल स्पर्म का जो आकार होता है वो एटलीस्ट 4% नॉर्मल होना चाहिए. ऐसा पति पत्नी को नेचुरली प्रेग्नेंट बना सकता है. सो ये हुए उनके इन्वेस्ट. तो दर्शक मित्र, ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर पूर्णिमा नादकर्णी जी के साथ, जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी है और टेस्ट ट्यूब बेबी वंध्यत्व निवारण के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं. सो ये हमारा जो क्वेश्चंस था उनका आंसर्स तो उन्होंने दे ही दिया है. तो अभी नेक्स्ट में ना ये क्वेश्चंस रहेगा मैडम की वंध्यत्व का प्राथमिक जो इलाज होता है वो कैसे. देखो, कोई भी पेशेंट इनफर्टाइल है तो पहले हमें उसका कॉज निकालना चाहिए. सो विमेन के कॉजेस और मेन के कॉजेस अलग होते हैं जी. स्त्री में जो मेन कॉजेस होते हैं, फर्स्ट इज जन्मजात कुछ खामियां होती हैं. जन्मजात खामियों का मतलब है वजाना है, और मार्ग में कुछ पर्दा हो सकता है, सीधा पर्दा हो सकता है, यूटर जो है उसके अंदर पर्दा हो सकता है, डबल यूटर्स हो सकता है,
यूट्रस के अंदर पर्दा के साथ साथ कभी कभी यूनिलैटरल यूट्रस होता है, आधा यूट्रस होता ही नहीं है, ऐसा होता है जी। यूट्रस के अंदर पॉलिप्स ऐसे मसे होते हैं जी, फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो पहले ये जो ट्रीटमेंट है या फाइब्रॉइड्स की गांठ यूट्रस में होती है, ये या ट्यूब बंद हो जाती है, ट्यूब में पानी भरा होता है। सो हर एक चीज को ट्रीटमेंट करना, उसके लिए हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का तपास करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब यूट्रस के अंदर से दूरबीन डाल के तपास करना, और वो करके उसमें से पॉलिप्स वगैरह है तो निकाल देते हैं, फाइब्रॉइड्स है तो निकाल देते हैं, पर्दा है तो उसको कट कर देते हैं। तो ये हम यूट्रस के साथ में करते हैं, यूट्रस के अंदर जो ये तपास करते हैं जी। उसके बाद में यूट्रस के बाद में वैसेक्टम है तो रिमूव करते हैं, उसके बाद में हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी में भी ट्यूब्स बंद है तो ट्यूब्स खुली कर सकते हैं। अगर ओवरी में कुछ पानी जमा है या ओवरी में कुछ फॉलिकुलर फ्लूइड है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर ओवरी में गांठें हैं तो वो निकाल सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की गांठें हैं तो वो हम निकाल सकते हैं, ओवरी के अंदर जी वो हम निकालते हैं, और सिस्ट है तो वो निकाल देते हैं। यूट्रस के अंदर कुछ गांठें होंगी फाइब्रॉइड्स तो वो लैप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। सो ये सब ट्रीटमेंट ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी, ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी करके हम लोग इसको सबको ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। सो दैट इज वन वे ऑफ ट्रीटिंग। ये सब ट्रीटमेंट होके जो अड़चन है वो निकालने के बाद अपने हाथ में नेक्स्ट ट्रीटमेंट होती है कि पेशेंट को और कुछ कारण है क्या। कभी कभी कुछ भी कारण नहीं होता, अनएक्सप्लेन इनफर्टिल, सब सही है, बच्चा नहीं हो रहा है, बस दो साल हो गए, तीन साल हो गए, हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी नॉर्मल है, पत्नी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ट्यूब खुले हैं, अंडकोश में से बीच टाइम पे निकलते हैं, तो हम सोनोग्राफी से ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, दवा देते हैं, उसके अंडकोश में से बीज निकले ऐसा देखते हैं, और जिस वक्त बीज निकलते हैं उस वक्त उनको नेचुरल सेक्स करने को देते हैं जी। सो दैट इज नेचुरल समागम। नेचुरल समागम से बच्चा नहीं होता है तो हम लोग IUI करके पद्धति करते हैं। IUI मतलब इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन। इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन मतलब जिस वक्त स्त्री का बीज निकलने की तैयारी है उसी वक्त हम पति का स्पर्म लेंगे और उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसको वॉश करते हैं, और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का पावर बढ़ाते हैं, काउंट बढ़ाते हैं, और ये पावर जो स्पर्म से वो धीरे से यूट्रस के अंदर धीरे से डाल देते हैं, तो ट्यूब में से वो जाता है ओवरीज के पास, और वो IUI पद्धति से बच्चा होने का चांस 15-20% ज़्यादा हो जाता है। दिस इज नोन एज IUI। समटाइम्स IUI में सक्सेस आने के लिए हम हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं। सो गोलियाँ हैं, क्लोमिफिन साइट्रेट करके गोली है, लेट्रोजोल करके गोलियाँ हैं, इन गोलियों के बावजूद हम लोग उनको गोनेडोटोपिन के इंजेक्शन देते हैं, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन, जिसको सुपर ओविलेशन बोलते हैं। ओविलेशन की प्रक्रिया में डबल बना रहता है। सुपर ओविलेशन में हमारा एम ऐसा होता है कि इस ओवरी में और इस ओवरी में 2-3 eggs ज़्यादा, यहाँ भी दो, एक दो ज्यादा, यहाँ भी एक दो ज्यादा अंडे तैयार हो जाए, फॉलिकल्स तैयार हो जाए, तो उस वक्त जब ये बीज फूटने का इंजेक्शन देते हैं तभी पेशेंट के हस्बैंड का स्पर्म लेके स्पर्म वॉश टेक्निक से तैयार करके IUI पद्धति से अंदर डालते हैं। दिस इज नोन एज सुपर ओविलेशन विथ IUI। इसमें बच्चा होने का चांस 15-20% बढ़ जाता है। सो दिस इज अ सिंपल ट्रीटमेंट। एक मैंने बताया प्लान रिलेशनशिप, दूसरा मैंने बताया IUI जी, इससे मैंने बताया सुपर ओवुलेशन IUI जी, चौथा मैंने बोला हिस्ट्रोस्कोपी करके सब ट्रीटमेंट करना, पांचवा बताया लैप्रोस्कोपी से सब ट्रीटमेंट करना जी। इन सब ट्रीटमेंट के बाद में जी अगर बच्चा नहीं होता है जी तो ही हम आगे की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं जी। अगर शादी के बाद कितने टाइम में अगर बच्चा नहीं होता है तो कितने टाइम में बताना चाहिए? 1 साल के अंदर पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। 1 साल तुम्हें बच्चा चाहिए और उसमें बच्चा नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ये सब ट्रीटमेंट करके आपको बच्चा क्यों नहीं होता है ये फाइंड आउट करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते जी। बट मैडम ये पता कैसे चलेगा कि अगर उस बच्चा नहीं हो रहा है या नहीं होने वाला है? सो पुरुष को और स्त्री को ये पता कैसे चलता है? देखो वो लोग हमारे पास जब भी आते हैं तो हम उनको चेक करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं, और हम ब्लड टेस्ट करते हैं जी। ब्लड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट में आपको समझना है कि इनके अंडे देने की क्षमता है कि नहीं, उनका ट्यूब खुला है कि नहीं, बाकी उसमें ट्यूमर है कि नहीं, आपको उससे समझना है तो हम उनको बता दें।
सिमिलरली पति का स्पर्म चेक हो जाएगा। एक बार सपोज कम है स्पर्म, 8 मिलियन स्पर्म काउंट है, 20% मोर्टिलिटी है, हम 7-8 दिन के बाद वापस रिपीट करते हैं, अगर इस बार सही है तो सही है, नहीं है तो कम है, तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। सो पति और पत्नी दोनों ने साथ साथ डॉक्टर के पास आना चाहिए और दोनों के सभी रिपोर्ट साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति हट्टा कट्टा है तो उसमें स्पर्म्स होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता जी, जी। और दोनों पति और पत्नी अगर ओबीज होंगे ना, मोटे होंगे, स्थूल होंगे, स्थूलता होगी, तो दोनों को स्पर्म काउंट कम होते हैं और स्त्री का स्थूलता के कारण अंडे से बीज निकलने की प्रक्रिया नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होता है, या स्त्री को पॉलीसिस्टिक ओवरी का डिसीज होगा तो भी स्थूलता होती है, तो भी अंडे से बीज नहीं निकलता। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन दोनों का ओबेसिटी है। तो बहुत ही बात अच्छी हम लोग मैडम से मार्गदर्शन ले रहे हैं टेस्ट टू बेबी और भयंत्र के बारे में। दर्शक मित्र आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव एक्जोटिक वेबिनार डिजिटल चैनल पे, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी आगे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी जी से। मैडम ये सरोगसी क्या होती है? सरोगसी का मतलब जिसको कभी कभी ऐसे कपल्स होते हैं जिन्हें काफी समय से हमने ट्रीटमेंट किया है, दो बार IUI किया 3-4 साइकिल, या उनको टेस्ट टू बेबी किया 3-4 साइकिल, इतना सब होने के बाद फेल 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 हो रहा है, तो वो पेशेंट बोलते हैं अब मेरा क्या होगा। तो उसका मतलब है उस स्त्री का यूट्रस बच्चा लेने लायक ही नहीं है, तो उसको क्या उपाय है? तो उसको उपाय है दूसरी स्त्री का यूट्रस आप भाड़े लेना, जिसको सरोगसी बोलते हैं। सरोगसी में दो टाइप्स के पैरेंट, एक जेनेटिक पैरेंट होता है और एक सरोगेट पैरेंट। जेनेटिक पैरेंट इज अ पैरेंट, पति और पत्नी जिनको बच्चा चाहिए है लेकिन उनको नहीं हो रहा है, उनको जेनेटिक पैरेंट्स होते हैं। और सरोगेट है एक जरूरत, पैसे की जरूरत वाली औरत होती है, या उनके सगे में होती है, उनकी भाभी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी भांजी हो सकती है, जिसको अपने मामा के लिए बच्चा देने की इच्छा होती है, मेरे यूटरस में बच्चा। सो दो टाइप्स ऑफ सरोगेट है, वन इज प्रोफेशनल सरोगेट्स होते हैं एंड वन इज आल्टरिस्टिक, मतलब घर का कोई रिश्तेदार जी। तो दो टाइप के सरोगेट होते हैं, तो इन सरोगेट्स को इनका बच्चा यहाँ डालने का जी। अभी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो स्त्री बच्चा लेने के लिए फिट ही नहीं हो, बहुत मोटी है जी। या उसको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या उसको हाइपरटेंशन है, ना बीपी है 200/110, डॉक्टर बोलता है भाई तुमको हार्ट नहीं लगाऊंगा जी, और उसको किडनी फेलियर या उसको हार्ट की बीमारी है कि वो माता बन ही नहीं सकती, लेकिन बच्चा तो सबको चाहिए जी, ऐसा एक है। दूसरा है बार बार सब ट्रीटमेंट करने के बाद फेल ही फेल हो रहा है, IUI फेल हो रहा है, IVF 3-4 बार फेल हो गया, तो ऐसे लोगों को फिर सरोगेट यूट्रस। तीसरा है यूट्रस में कुछ बीमारी, जैसे कि आज इसकी डिलीवरी में इतना हेमरेज हो गया कि यूट्रस रिमूव करना पड़ा, तो पहला बच्चा भी गया, यूट्रस भी गया, बच्चा तो चाहिए उसको, तो वो सरोगेट मदर ले सकती है। दूसरा यूट्रस में छोटी उम्र में, अभी अभी शादी हो गई और 4 महीने में समझा कि उसको कैंसर है जी, तो यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, यूट्रस में इतनी बड़ी गांठ है कि यूट्रस रिमूव करना पड़ता है जी। तो किसी भी बीमारी से आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ा आपको भाड़े का यूट्रस लेना जी। और नंबर 3 इसका एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो देखो यूट्रस में है ना दो भाग होते हैं, एक मसल होता है और दूसरा अंदर का लाइनिंग होता है, जिसको हमारे कॉमन लैंग्वेज में यूट्रस का पर्ड बोलते हैं, पर्ड जी। ये पर्ड 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर तक होता है, तब जाके हम बच्चा डालें तो पकड़। लेकिन अगर उसका पॉड बहुत थिन है, एक दूसरे को चिपका है, मेंसेस आ नहीं रहे हैं, पूरा चिपका हुआ यूट्रस है, बिल्कुल दिक्का है, उसको हमारी भाषा में एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे यूट्रस को कुछ भी करो, काटो, यूट्रस के अंदर जाओ, हिस्टोस्कोपी करो, खोलो, कुछ भी करो, बस चिपकता है, उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं। तो ये सरोगेसी प्रोफेशनल सरोगेसी अपने यहाँ होती है। और अभी नए रूल्स के अनुसार जो गवर्नमेंट ने नवंबर लास्ट ईयर नए रूल्स आए, उसके अनुसार उन्होंने फॉरेनर्स को सरोगसी देना, पहले हमारे देश में बहुत फॉरेनर्स आके बच्चा लेते जाते थे, लेकिन अभी फॉरेनर्स को बच्चा देना अलाउड नहीं, सरोगसी अलाउड नहीं किया है।
और सिंगल मैन और सिंगल वुमन को सरोगेसी अलाउ नहीं किया, लेस्बियंस को और गे लोगों को सरोगेसी अलाउ नहीं किया है, सिंगल वुमन को भी सरोगेसी अलाउ नहीं किया है। अभी के नए रूल्स के अनुसार सरोगेसी इंडियंस को ही दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट वालों को दे सकते हैं। फिर पति पत्नी इन रिलेशन, पति और पत्नी मैरिड होना चाहिए कम से कम 5 साल, और नंबर टू उनको बड़ा बच्चा नहीं होना चाहिए, उनको एक भी बच्चा जिंदा है तो उनको सरोगेसी अलाउ नहीं। ये सब अपने फिल्म स्टार्स ने वगैरह जो अपना शाहरुख खान ने सरोगेसी किया और फिर ये सब लड़के लोग कर रहे ना, सिंगल मदर सिंगल फादर, उनके कारण ये रूल आया है कि नहीं उनको जरूरत नहीं है, कि पत्नी होने के बावजूद पत्नी के 2 बच्चे हैं तुमने सरोगेट करके तीसरा लिया, सो उनके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये तुम एक्सप्लॉयटेशन करते हो, औरत बेचारी गरीब औरतों को तुम एक्सप्लॉयट करते हो, क्योंकि दूसरे का बच्चा लेना है तो ये डेंजर तो होता है ना बेटा। हर एक डिलीवरी एक पुनर्जन्म की तरह होती है, हर एक डिलीवरी में 100 में से 1 की भी जान जाए तो उसके लिए तो उसके परिवार के लिए तो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी ये नए रूल्स के अनुसार सिर्फ इंडियंस, और अभी मुझे लगता है कमर्शियल सरोगेसी भी बैन होने वाली है, प्रोफेशनल या कमर्शियल सरोगेसी पैसा लेके जो सर्वेट है वो भी अभी 2-3 महीने में बैन, इंडिया में बैन हो जाएगी, इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी बैन होने वाली है। वो राज्यसभा में, वो राज्यसभा में पास हो गया है, अभी वो लॉ आना बाकी है, लॉ आते ही सरोगेसी इंडिया की बंद हो जाएगी, ओनली रिलेशंस में वो सरोगेसी आना पड़ेगा। ओके जी, ये तो बात थी हमारी सरोगेसी के बारे में बात हमने की। अभी ये जो ICSI ICSI क्या होता है, ICSI क्या होता है? देखो मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी और ICSI दोनों समझाती हूं। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जब भी स्त्री के बीज बाहर लिया जाता है, पुरुष का स्पर्म बाहर लिया जाता है, दोनों का मिलन बाहर करते हैं लेबोरेटरी में और भ्रूण तैयार करते हैं, और ये भ्रूण जब यूटरस के अंदर डालते हैं इसको टेस्ट ट्यूब बेबी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। नाउ टेस्ट ट्यूब बेबी किसको जरूरत है, लेट मी टेल यू व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हाट इज ICSI। टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF इंटीवल द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ऐसे लोगों को जरूर है जिनकी ट्यूब्स बंद है, ट्यूब से पानी भरा है, ट्यूब्स बंद है। नंबर टू अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, सब सही है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। नंबर टू, नंबर थ्री एंडोमेट्रोसिस की बीमारी है, एंडोमेट्रोसिस में यूट्रस के पड़ में जो मासिक आता है वो ट्यूब में से जाके ओवरी में घर करता है, तो ओवरी में इतना ब्लड भरा होता है, भयंकर पेन होता है, उनको बच्चा भी नहीं होता है, उनके लिए होता है। नंबर फोर पॉलीसिस्टिक ओवरी या क्रॉनिक एनोवुलेशन, ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट है, दवा देने के बाद भी बच्चा नहीं होता है, बीज नहीं निकलता है, तो बहुत सारे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देने के बाद दोनों अंडकोश में बड़े बड़े बीज तैयार होते हैं, तो नंबर फोर पॉलीसिस्टिक ओवरी। नंबर फाइव मेल फैक्टर, मेल फैक्टर में हस्बैंड का स्पर्म नॉर्मली 15 मिलियन स्पर्म काउंट विद 30-40% मोर्टिलिटी होनी चाहिए, लेकिन किसी हस्बैंड को 1 or 2 million स्पर्म होगा जी या कम होगा और IUI से बच्चा नहीं होता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी। सो ये हुए इंडिकेशंस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह करते हैं, व्हाट इज द स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम औरत को डिसाइड करते हैं कि ये हॉर्मोन्स किस प्रकार देना है, उसको बोलते हैं हमारी भाषा में उसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स हम डिसाइड करके पेशेंट को हॉर्मोन्स के इंजेक्शन 9 to 10 days दिया जाता है। 9 to 10 days इंजेक्शन देने के बाद उसके दोनों साइड के ओवरी में फॉलिकल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, द्राक्ष के घोंसले की तरह हो जाते हैं जी। ये हम सोनोग्राफी के मशीन से चेक करते हैं। जब ही जो फॉलिकल्स 17-18 millimeter के साइज के हो जाते हैं तभी हम उनको बीज फूटने का इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर बोलते हैं। बीज फूटने का इंजेक्शन देने के बाद 34 to 36 आवर्स में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, थोड़ा सा एनेस्थेशिया देते हैं और योनि मार्ग से हम लंबी सुई डाल के उसको एनेस्थेशिया देके उसके सभी अंडे में से बीज निकालते हैं जिसको फॉलिकुलर एस्पिरेशन और एग पिकअप या ओवम पिकअप बोला जाता है। ये अंडे में हमारे पास ट्यूब्स आते हैं, ट्यूब से फ्लूइड आता है, फ्लूइड में अंडे होते हैं और इसीलिए उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रखा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में उसके फॉलिकुलर फ्लूइड कलेक्ट होता है और वो फिर हम चेक करते हैं, उसमें एग्स है कि नहीं चेक करते हैं और फिर हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, हमारे पास CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर
जिसमें टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, CO2 5% 6% होता है, तो ऐसे में इंक्यूबेशन में रहते हैं। फिर हस्बैंड स्पर्म्स देता है, हस्बैंड के स्पर्म भी प्रोसेस करके फिर IVF में एक अंडे के साथ 50,000 स्पर्म्स डालते हैं और इंक्यूबेटर में रख देते हैं, वो मीडिया में बच्चा बन जाता है। ओके, IVF वाइल इन केस ऑफ ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें जो एग निकलते हैं उसको एग क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स या COC क्यूमुलस कुफरस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसको हम हाइले से डिसेक्ट करते हैं तो हमें अंडे देते हैं। अभी जो एग्स होते हैं जिसको अंडे में बोल रही हूँ, वो तीन प्रकार के होते हैं, जर्मिनल वेजिकल जो इमैच्योर और थोड़े से मैच्योर जिसको M1 बोलते हैं, और M2 मतलब मेटाफेज 2 उस साइज जो बिल्कुल मैच्योर होते हैं। बिल्कुल मैच्योर को हमारे यहाँ रोबोट जैसे होते हैं जिसको माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं जी, उसमें एक स्पर्म से एक होल्डिंग पिपेट से इसको अंडे को पकड़ते हैं और इससे एक स्पर्म उसके अंदर डालते हैं जी, तो उसको ICSI बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इंजेक्शन देने के बाद ये सब एग्स जो अंदर इंक्यूबेटर, मतलब ये जरूरी है इंजेक्शन देना जरूरी है ये वाला ICSI वाला जी, जी तो उसमें वो फिर इंक्यूबेटर में रखते हैं और इंक्यूबेटर में दूसरे दिन फर्टिलाइजेशन होता है, तीसरे दिन 2 सेल 4 सेल उसको क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज होता है, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन या पांचवें दिन इतना बड़ा बच्चा ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, वो हम धीरे से एक लंबी सुई से अंदर डाल देते हैं। पेशेंट को 2 या 3 दिन रेस्ट करना होता है और 15 दिन हम उसको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन या मेडिसिन या योनि मार्ग से गोली रखने को देते हैं और 15 दिन के बाद उसका ब्लड टेस्ट होता है, इसको बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं। बीटा एचसीजी टेस्ट अगर 50 से ज़्यादा आता है तो उसको एक बच्चा आता है, 300 से ज़्यादा आता है तो शायद 2 बच्चे होते हैं। सो दिस इज हाउ हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। सो दिस इज वॉट इज IVF और दिस इज वॉट इज ICSI जी। बहुत ही अच्छी बात है मैडम, ये आपने इतनी अच्छी ये टेस्ट ट्यूब बेबी और व्यंजन का निवारण साथ में सरोगसी और ICSI सभी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो अभी ये महिलाओं के अंदर जो होता है मेनोपोज आ जाता है, मेनोपोज आने के बाद में शायद पीरियड मासिक चला भी जाता है और रहता भी है, कभी लॉन्ग समय में आता है कभी कम समय में आता है, इसी समय अगर ये बच्चा चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो मेनोपोज का मतलब है हर एक औरत या स्त्री का ओवरी स्टार्ट फंक्शनल एट अराउंड 12-13 12-13 साल पे उनकी ओवरी काम करना शुरू होती है जी, और हर महीने में बीज निकलने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम ओविलेशन बोलते हैं जी। सो ओविलेशन और मेंस्ट्रुएशन ये जो साइकिल है जी 15 साल पे 14 साल में शुरू होके 35 इयर्स तक रेगुलर होते थे जी, 35 इयर्स के बाद अगेन इरेगुलर होते जाता है और करीबन 42-43 पे 44 तक फिर ओविलेशन कम्प्लीटली बंद हो जाता है। ओविलेशन बंद होने के बाद भी 2 या 3 साल मेंसेस आता रहता है, कभी रेगुलर आता है कभी इरेगुलर आता है, विच इज एन ओविलेटरी साइकल्स मतलब विदाउट अंडा वो मेंसेस आते हैं और करीबन 47-51 में मेनोपॉज हो जाता है जी। मेनोपॉज मतलब मेंसेस कंप्लीटली स्टॉप 6 महीने से ज़्यादा एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 उसको मेनोपॉज कहते हैं। अभी सपोज मेरे पास 48 की औरत आई जी और मुझे बोलते हैं मैडम मेरी शादी को 20 साल हो गए मुझे बच्चा जी। अब इस उम्र में लोचा क्या है, उसके यूटरस तो छोटा हो गया, मेनोपॉज हो गया जी, मासिक नहीं आता तो यूटरस सूख जाता है जी, प्लस उसके दोनों अंडकोश छोटे हो जाते हैं, श्रीवल हो जाते हैं, एट्रोफिक हो जाते हैं जी, और अंडकोश फिर से बीज निकलने की प्रक्रिया होती ही नहीं, तो इनके पास स्त्री बीज नहीं है। अभी उसकी शादी हो गई है, उसका हस्बैंड 50-52 का है लेकिन उसके स्पर्म्स अभी भी अच्छे हैं, उसको भी सेक्स करने की इच्छा अभी भी सही है जी, तो हमें तो इसको अंडा ही देना है जी। तो मेनोपॉजल औरत को हम किसी यंग स्त्री का एग दे सकते जी, तो उसके पहले मेनोपॉजल औरत को फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। देखो एक बार बताती हूं, एट द एज ऑफ 48 मैंने बच्चा दिया, बहुत मोटी हो, आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है जी, आप जिद करके बच्चा लेते हैं जी। प्रेगनेंसी में भी 9 महीना हम गैस के ऊपर इसकी जान ना जाए जी,
बच्चा गैस के ऊपर अब निकलता है और पेशेंट जान के ऊपर किसको उसको डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन है, एंड यू कैन और आजकल इतना आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें तो ये सब होने की 25 और 30 में ही सब कुछ हाल आता है. एग्जैक्टली दैट इज व्हाई पेशेंट शुड बी मेंटली फिट. एंड पेशेंट में डिप्रेशन में जाए 48 की है उसकी खुद के तो नहीं है और फिर डिप्रेशन में जाएगी तो फिजिशियन देखता है फिटनेस सही बोलता है फिर हम उसको 3 महीने तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन की दवा देते हैं तो उसका यूटरस बड़ा भी होता है और मेंसेस आने लगता है, थोड़ी जवानी आ जाती है. फिर हम उसको रनिंग कराते हैं उसको, हम तो रनर्स हैं, मेरे पेशेंट ना सब दौड़ते हैं और मैं क्या बोलती हूँ, रनर हो बच्चा होगा, रनर नहीं हो बच्चा नहीं होगा. सो माय पेशेंट स्टार्ट रनिंग, आई वुड से 80% ऑफ माय पेशेंट्स आर रनर्स. किसी भी उम्र में रनर्स बनाती हूँ मैं, मेरी बेटी भी बनाती, मेरी बहू भी बनाती, मैं सबको बोलते रनिंग करोगी बच्चा होगा, रनिंग नहीं करोगी बच्चा नहीं होगा. आई टेल यू when they start exercising, when they start running, उनका यूटरस अच्छा होता है, उनका मन अच्छा होता है, पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी हमारे जरूरत के सिवा बच्चे पैदा होते हैं. ऐसा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं हो और बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है. देखो ना वो साथ में रहते हैं ना, साथ में रन करते हैं पति पत्नी, साथ में दौड़ते हैं, पति के स्पर्म सुधर जाते हैं, पत्नी के अंडे निकलने होते हैं, अपने आप बच्चा होता ही आ रहा है. तो अच्छी बातें होता है, तो वेरी गुड. वो करते हैं और उसके बाद में हम एग डोनेशन के लिए जाते हैं. तो एग डोनेशन क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स के एग डोनेशन होते हैं. एक तो पेशेंट का रिश्तेदार आता है, उसकी भांजी आती है, उसकी छोटी बहन है, सपोज ये 40 साल छोटी बहन 25-30 की है, वो आती है, उनको 10 दिन इंजेक्शन देते हैं, उसके अंडे निकालते, इसके पति के साथ उसका स्पर्म डाल के बच्चा पैदा करते हैं, ये मेनोपॉज़ल अवस्था में देते हैं. आजकल मेनोपॉज़ जल्दी भी होता है, इसको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं. ऐसे लोगों को भी एक डोनेशन मिलता है, लेकिन एक डोनर कौन होता है, कभी हमारे पास प्रोफेशनल एग डोनर्स भी आते हैं. तो प्रोफेशनल एग डोनर्स का हमारा एक रूल्स होता है, ICMR गाइडलाइंस होते हैं. ICMR गाइडलाइंस के अनुसार वो लड़की 20 साल से 35 साल की होनी चाहिए जो अंडा देना चाहेगी, उसकी शादी होनी चाहिए, उसको बच्चा होना चाहिए एक कम से कम, और वो सही होना चाहिए जी. फिर उस औरत को कुछ भी बीमारियां नहीं, HIV नहीं होना चाहिए, मलेरिया नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, फिर उस औरत को मेंटल बीमारी नहीं होनी चाहिए, गांडी नहीं होनी चाहिए. सो मेंटल बीमारी नहीं होनी चाहिए उसको, उसको एपिलेप्सी आखिरी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ ड्रग्स लेने की आदत नहीं चाहिए. अब समझे में, ये सब होने के बाद ही हम उसको इंजेक्शन देके देते हैं. सो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस परफेक्ट होते हैं जी. तो वैसे ही औरत को जिसने अच्छा बच्चा दिया है, जो यंग है, जो फिट है, जिसको कुछ आदतें, बुरी आदतें, वाइसेस, तम्बाकू की लत या किसी ड्रग्स की लत, स्मोकिंग की लत नहीं है जी, और जिसको बाकी कुछ बीमारियाँ नहीं है, और बच्चा उनका सही है, इसको अनॉर्मली नहीं है, ऐसे ही औरत का हम अंडा लेने के लिए. बट अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं, सपोज कि 4 महीना हो गया, 5 महीना ट्रीटमेंट हो गया है, उसके बाद अगर कुछ महिला को होता है, वो लेडी को कुछ होता है, कुछ बीमारी आ गई, जैसे कि बीच में प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर आ जाता है, किसी को प्रेशर आ जाता है, आता ही है. तो उसी दौरान क्या कर सकते हैं? आता ही है जो मंजूर है खुदा, लेकिन हम उसको उस वक्त बहुत देखो तभी उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए. वो सबसे पहले है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. हम प्रेगनेंसी होने के पहले में दौड़ा दौड़ा के सब कुछ डाइट एक्सरसाइज परफेक्ट देती. गुजरात में मुझे वो करना पड़ता है क्योंकि हमारे गुजरात में सिर्फ खाते ही खाते, सूरत नो जमण ने मलकाशी नो मरण बोलते खाते रहते. सो वी ईट अ लॉट एंड वी ईट एनीथिंग, मतलब राइस बहुत खाते, चपाती बहुत खाते, घी डालते हैं, और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाते हैं. सो हम लोग पहले डाइट और एक्सरसाइज देते हैं, दैट वी कॉल इट लाइफस्टाइल चेंज. फिर मेरे पेशेंट्स सब एक्सरसाइज या रन करते ही हैं, ऑलमोस्ट मेरे 80% ऑफ द पेशेंट्स स्टार्ट रनिंग,
When they start running, their body अच्छी हो जाती है, extra fat जाता है, uterus के पास blood supply जाता है, ये होने के बाद ही हम pregnant बनाते हैं, लेकिन फिर भी patient को blood pressure आना हमारे हाथ में नहीं होता है, diabetes आना, listen जो है ना gestational diabetes जो हो सकता है, फिर हम perfect antenatal care करते हैं, antenatal care मतलब हर 15 days को उसको check करना, उसका sonography करना, उसको perfect दवा देना, उसको डायबिटीज ना होने के लिए परफेक्ट डाइट देना, ये सब करके हम 9 महीने में एंटी हाइपरटेंशन देना, ये करके मतलब एब्सोल्युटली परफेक्ट एंटीनेटल केयर एंड टेकिंग अ परफेक्ट केयर ऑफ योरसेल्फ वी कैन कम टू द 9 मंथ्स। और फिर एक अंडों का अबॉर्शन भी हो जाता है, उसके लिए कोशिश तो बहुत करते हैं, हमारे पास ट्विन्स ट्रिपलेट्स आते हैं तो कभी कभी अबॉर्शन हो जाता है, बट वो वैसे भी नेचुरली भी ट्विन्स ट्रिपल्स आते हैं तो उनकी बहुत काळजी लेनी पड़ती है, तो वो करते हैं। और फिर आई वुड से हमारा लॉस 1% लॉस होता ही है बेटा, नेचुरली भी कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो अबॉर्शन मिस्ड अबॉर्शन साहजिक है, और इसी में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी और इसी में इसमें अगर टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है मेरे ख्याल से, ऐसा होता है। सो आगे हम चलते हैं और बात करेंगे अभी नील स्पर्म की, हम जो बात करें सरोगसिता वो नील स्पर्म किसी पुरुष को, अभी पुरुष पंडित की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया पुरुष के स्पर्म काउंट 15 मिलियन होने चाहिए और उनकी मोटिलिटी 30% होनी चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी कम से कम 4% ना होनी चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी। ऐसा पति पत्नी के साथ सोके बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन अगर उसका काउंट 8 से 15 है जी, उसको माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, 5 से भी कम है तो उसको मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और 1 से कम है तो उसको सीवियर ओलिगो, ओलिगो इटले ओचू, ओलिगो मतलब कम, कम स्पर्म मतलब स्पर्म, 1 मिलियन से कम है तो उसको सीवियर ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो 8 से या 5 से 15 तक जिसका है जी, उसको IUI पद्धति से या सुपर ओवुलेशन IUI पद्धति से बच्चा होता है, 2 से 5 मिलियन जिसका है उसको IVF से बच्चा होता है, लेकिन लेस देन 2 मिलियन होता है तो ICSI से बच्चा होता है जी, कभी कभी एक भी स्पर्म दे जीरो स्पर्म दे उसको ये नील स्पर्म, नील स्पर्म बोलते हैं, नील स्पर्म वाले को हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, एजो मतलब नो एंड स्पर्मिया मतलब स्पर्म, जीरो स्पर्म। अभी जीरो स्पर्म का क्या कारण होता है वो भी समझा, देखो पुरुषों में है ना उनका स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर 2 बोटी होती है जिसको हम शुक्रपिंड बोलते हैं, ये शुक्रपिंड में क्या होता है इसमें छोटे छोटे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं जिसमें से स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं मगज के ऊपर FSH LH जो हार्मोन है उनके एक्शन, ये स्पर्म्स शुक्रपिंड में तैयार होते हैं और शुक्रपिंड के बाजू में शुक्रवाहिनी होती है जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस में शुक्रपिंड जाते हैं तो उनको गतिशीलता आती है जी, तो गतिशीलता आने के बाद उसके बाद में वास डिफरेंस होता है और ये वास डिफरेंस पूरा पोषण का गोटी में से निकल के हर्निया के साइड में से मतलब साइडल आइलिया से निकल के पेशाब की थैली से होके बाहर आता है और उसके दोनों साइड में प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है, सेमिनल वेसिकल की ग्रंथि होती है, इसमें से यूरेथ्रा पुरुषों का तो पेनिस इतना बड़ा जी, उसमें से वो बाहर आता है तो इतना ट्रैवल करके वो स्पर्म्स आते हैं जेंटल स्पर्म, तो जब ये पति पत्नी का संबंध होता है उसमें जो फ्लूइड आता है फ्लूइड में पहला भाग जो होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि सेमिनल वेसिकल ग्रंथि एक्सेसरी ग्लैंड उसमें से फ्लूइड आता है और जो दूसरा भाग होता है उसमें से स्पर्म्स आते हैं जी, जब ये नील स्पर्म होता है जी तो नो स्पर्म, तो उसका मतलब है ये जो ट्रैवलिंग का रोड है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, तो वास डिफरेंस पे ब्लॉक हो सकता है, एपिडिडाइमिस पे ब्लॉक हो सकता है, वो किसी बीमारी से टीबी से गोनोरिया से हो सकता है या जन्मजात वास डिफरेंस एब्सेंट होता है, एमजी बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस करके बीमारी है, CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसरेगुलेटर जीन्स जिसको होते दोनों वास एब्सेंट होते जन्मजात, तो ऐसे लोगों के गोटी में तो स्पर्म्स होता है लेकिन बाहर नहीं आता जी, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया 2 प्रकार का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है शुक्रपिंड में स्पर्म्स है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स है लेकिन
रास्ता बंद है तो अंदर ही पड़ा है, बाहर नहीं आ सकता जी, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है गोटी में या शुक्रपिंड में स्पर्म्स ही पैदा नहीं हो रहे तो गर्भाशय से आएंगे। सो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मींस शुक्रपिंड में स्पर्म्स नहीं है। उसके दो तीन रीजन होते हैं। एक होता है हॉर्मोन्स बहुत कम हो पुरुष को, हाइपोथैलेमो हाइपोपिट्यूटरी बोलते हैं, बहुत हॉर्मोन्स की कमी हो, अथवा उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। पुरुषों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, पुरुष देखो पुरुष पुरुष कैसा है वो 46XY है, स्त्री स्त्री क्यों है वो 46XX है, लेकिन कभी कभी पुरुष XXY होता है 47। तो जेनेटिकली एबनॉर्मल स्पर्म लगता हटता करता है लेकिन जीन्स में लोचा, तो ऐसे पुरुष के स्पर्म में लोचा तो जीरो। तो वो जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, हॉर्मोन्स के कॉज हो सकते हैं, कभी कभी लोकल डिफेक्ट हो सकता है तो इसमें स्पर्म्स नहीं आते। सो इट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। हम इसमें से ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया से हम गोटी से स्पर्म्स निकाल सकते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, औरत को 10 दिन इंजेक्शन देते हैं, उसके सोनोग्राफी में योनी मार्ग से सोनोग्राफी करके उसके अंडे बाहर निकालते हैं जी। पुरुष के गोटी में से हम एपिडिडाइमिस से सुई डाल के स्पर्म्स निकालते हैं या गोटी में सुई डाल के स्पर्म्स निकालते हैं, जिसको हम टीसा बोलते हैं टेसे बोलते हैं। तो अलग अलग इट इज नोन एज सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, SSR सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल ऐसा बोलते हैं, जिस मेथड से हम पुरुष के गोटी में से या शुक्रपिंड में से या एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी में से स्पर्म्स निकाल के लेते हैं, फिर ये स्पर्म या अंडे में डाल के बच्चे पैदा करते हैं। इसको हम पिक्सी विद टीसा बोलते हैं, इक्सी विद पीसा बोलते हैं, इक्सी विद टेसे बोलते हैं, इक्सी विद मीसा बोलते हैं। ऐसे सब टेक्निक से 70% ऑफ द स्पर्म्स पुरुषों को उन्हीं के जेनेटिक बच्चा देते हैं जी। लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं है कुछ भी करो तो क्या करें, FSH बहुत हाई है, टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको माइक्रो टीसा बोलते हैं। माइक्रो टीसा से कभी कभी 7-8 जगह छोटा 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 काम निकल, मेरे हस्बैंड इसमें एक्सपर्ट है, डॉक्टर किशोर नाथ है, बहुत अच्छी तरह इसको भी नेल्स पॉलिश में हस्बैंड मेरा निकाल के देते हैं और हम बच्चे बनाते हैं जी। सो माइक्रो टीसा पद्धति से मिल जाता है, अथवा फिर डोनर स्पर्म लेना पड़ता है, उसके लिए सीमेन बैंक की जरूरत, स्पर्म बैंक की जी। स्पर्म बैंक में स्पर्म्स अभी कैसे होते हैं, स्पर्म बैंक की बात करती हूँ जी, जिसको बिल्कुल ही स्पर्म नहीं आएगा, जिसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, जिसको कुछ भी करके स्पर्म नहीं आ रहा है, तो उसको फिर दूसरे का स्पर्म हम देते हैं, हम स्पर्म बैंक करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, सभी आपके हॉस्पिटल में ही होता है ये जी स्पर्म बैंक। अभी स्पर्म बैंक के भी थोड़े रूल्स है जी। स्पर्म बैंक का रूल अपने इंडियन के अनुसार लड़के की उम्र 20 से 35 साल, तो वो विकी डोनर देखा था ना पिक्चर, विकी डोनर के बाद में मुझे बहुत लोग फोन करते हैं डॉक्टर साहब मुझे स्पर्म देना है, तो लगता है लाखों रुपया मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विकी डोनर पिक्चर था, पिक्चर बनाने के लिए उन्होंने उसको रिच बना दिया, पैसा दे दे जी, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम एक ही आदमी का स्पर्म हजारों को नहीं दे सकते। वो विकी डोनर मूवी सोचने के लिए बहुत अच्छी थी, उसमें एक मैसेज था, मैसेज ये था कि आपको अगर अपना स्पर्म नहीं है बच्चा होने के लिए तो दूसरे का स्पर्म आप ले सकते हो, ये एक मैसेज उसमें था जी। तो स्पर्म डोनेशन के लिए रूल्स के अनुसार हम उम्र उसकी देने वाले की 20-35 तक ही होनी चाहिए, उसको एक आध बच्चा होना चाहिए जिसमें डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उस आदमी को स्मोकिंग करना तंबाकू खाना इसकी लत नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स की लत नहीं होनी चाहिए, उसको कुछ बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, उसको आखिरी आने की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसे सब बीमारियाँ, उसको VDRL नेगेटिव होने चाहिए और HIV नेगेटिव होना चाहिए। फिर हम कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईबॉल देखते हैं, जात पात भी देखते हैं, और हमारे स्पर्म में स्पर्म बैंक करते हैं, फिर उस आदमी को उसको जो उसका हम एंटर करते कि इतना हाइट है, इतना कलर है, ये जानता है इसका, और उसके अनुसार हम देते हैं जी। और हमेशा ये स्पर्म्स फ्रोजन होना चाहिए, फ्रीज करके रखते हैं, ऐसा डायरेक्टली नहीं देते, डायरेक्टली दिया तो इसकी बीमारी उसको आसान लगती है, और HIV इतना डेंजरस होता है, VDRL डेंजरस होता है, गोनोरिया डेंजरस होता है, हेपेटाइटिस बी डेंजरस होता है, तो कोई किसी का भी स्पर्म यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा है,
इसका स्पर्म लेना, ये सब टेस्ट करना, फिर उसको फ्रीजिंग करके रखना। छह महीना फ्रीजिंग करने के बाद वापस उसको बुला के वापस उसका चेक होगा, वीआरएल नहीं है, एचआईवी नहीं है, तब ये स्पर्म दिया जाता है। सो दिस इज द रूल। जी बहुत ही अच्छी बात कही, ये बहुत ही हमारा लंबा एक प्रोग्राम चला है आज। लास्ट अभी ये सब तो हमने आज व्यंध्यत्व निवारण के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी है। अभी लास्ट में मेरा क्वेश्चन रहेगा मैडम, आपको अभी तक बहुत सारे अचीवमेंट मिले हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूल्स रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो लाइव रहेगा वो टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपके बारे में जो अचीवमेंट आपने किया है वो बता दीजिए। अचीवमेंट तो बचपन से है जी। एसएससी में पूरा महाराष्ट्र में फर्स्ट आई थी जी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, सेकंड ईयर में फर्स्ट, थर्ड ईयर में सेकंड, थर्ड आई होगी। लेकिन डीजीओ में फर्स्ट आई, एमडी में सेकंड आई। सो अचीवमेंट्स काफ़ी रहे। उसके बाद किशोर मेरा पति, मेरा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किशोर वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत होशियार था। हम दोनों बहुत इंटेलिजेंट पति पत्नी थे और लेकिन और बहुत एथिकल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो मेरे पति को बिल्कुल ही कट प्रैक्टिस करनी नहीं थी, बॉम्बे में कट प्रैक्टिस चलती थी, उनको कट प्रैक्टिस करनी नहीं थी। तो हमने छोटे से छोटे गाँव में किला पहाड़ी में हमारा शुरू कर दिया जी। किला पहाड़ी में शुरू करने के बाद इट वॉज नेवर लुकिंग बैक। एक हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल, तीन हॉस्पिटल, छः हॉस्पिटल्स होंगे, चार टेस्ट बेबी सेंटर्स होंगे, बच्चे भी हाईली क्वालिटी है। पूजा तो मैं तो महाराष्ट्र में फंस रही, पूजा ऑल ओवर इंडिया में फंस रही। उसको भी प्रेसिडेंट मेडल मिला जी। अक्षय वो भी फर्स्ट आया बायोलॉजी सब्जेक्ट में ऑल ओवर इंडिया, और उसको भी प्रेसिडेंट मेडल, और उसको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो मेरे दोनों बच्चे गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। तीसरा बच्चा भी फर्स्ट आया, वो तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, वो अभी वो फाइनल एमबीबीएस में फर्स्ट आया, वो उसको अभी गीतांजलि से भी एमएस में फर्स्ट आया, और उसको भी अभी आईसीओजी का भी एग्जाम 10 दिन पहले एग्जाम भी उसमें। सो दिस इज माय अचीवमेंट, मेरे बच्चों का अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट। बट मुझे लायंस क्लब बोलो क्या रोटरी क्लब बोलो, उन्होंने काफ़ी दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 2 बार सम्मान किया है, वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्राइज दिया है, अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। फिर पावर 100 दिव्या भास्कर ने 2-3 बार मेरा सम्मान किया है, काफ़ी सारे सम्मान अवार्ड्स मिले। फॉक्सी ने मुझे FICOG डिग्री दी है, फॉक्सी मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट जी। बेस्ट वुमन, वुमन ऑफ द ईयर, इस बार मुझे पर्सनालिटी ऑफ ईयर, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड नेक्स्ट वीक मिलने वाला है। ऐसे सारे सेम हो जाएगा शायद, मुझे भी मिलने वाला है। सो जी, यू आर आल्सो अ वुमन एंटरप्रेन्योर, तू भी बहुत मेहनत करके ऊपर आई है। यू आर द फर्स्ट वन टू हैव अ डिजिटल चैनल in Surat, that's the biggest achievement. I think Yamini, ये women's year आने वाला, International Women's Day हम celebrate करने वाले 8 को जी। तो मेरा सब औरतों को यही संदेश रहेगा कि अपने आप को कभी भी पुरुषों से कम नहीं देखना जी। हमारे जो जॉब्स हैं, हम माँ हैं, हम बच्चे हैं, हम हमें बहन है, हम पत्नी है, वो रोल तो हमें करना ही है, लेकिन हर स्त्री ने अपना अपनी अर्निंग रखनी चाहिए। अलग से हर एक औरत ने अपनी थोड़ी सी कमाई होनी चाहिए। जो कमाती औरत है ना, उसके चेहरे पे जो तेज होता है, घर में बैठी औरत को नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, मे बी रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। जब तुम कमाते हो तो तुम्हारे चेहरे पे जो नूर आता है, जो तुमको कॉन्फिडेंस आता है, यू डू नॉट फील इंफीरियर टू योर मैन। आई थिंक दैट एवरी वुमन ऑफ द कंट्री शुड कम, the whole country will be better. Bilkul. On this Women's Day, I would empower every woman, with education and with care, with love and with facilities. तो वापस हम मिलेंगे। बहुत ही अच्छे बात, धन्यवाद मैडम आपका, आपने बहुत ही अच्छी हमारे ये चैनल के माध्यम के द्वारा आपने अच्छी जानकारी दी सभी को, और जिनको भी ये है या तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहता है तो बिल्कुल ही डॉक्टर पूर्णिमा जी का संपर्क कर सकते हैं। डिटेल आपको हम लोग बाद में दे देंगे। आप अगर गूगल पे जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे तो आपकी वेबसाइट और गूगल का डिटेल सब बता दीजिए, ताकि अगर किसी को भी ये करना है तो बिल्कुल ही आपका
कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का मुझे मैसेज भी आता है और मैं मैसेज भी आपको फॉरवर्ड करती रहती हूँ। नाड़कर्णी हॉस्पिटल डालोगे तो मिल जाएगा, नाड़कर्णी मेडिकल फाउंडेशन, नाड़कर्णी ट्रेनिंग एकेडमी, ऐसे हमारे हैं, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स सीखने आते हैं। मैं टीचर, मैंने कम से कम 1200 स्टूडेंट्स को आजकल सिखाया। अपने देश में कम से कम 50 या 60 आईवीएफ सेंटर मेरे यहाँ सीख के शुरू हो गए। वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल भी नाड़कर्णी सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं पे भी, तो पूर्णिमा नाड़कर्णी भी आप देख सकते हैं और बिल्कुल भी मैडम का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से वापस मिलेंगे नेक्स्ट आफ्टर 15 डेज के बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट टेस्ट फेरी। सो थैंक यू सो मच।